हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे। जैसे कि एग्जाम देने के बाद सब एस्पायरेंट्स के मन में एंजाइटी रहती है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, मींस प्रीलिम्स में पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो अभी हम यूपीएससी के लास्ट ईयर्स पेपर्स की कट ऑफ एंड पेपर ट्रेंड के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए कट ऑफ बताएंगे। फर्स्ट हम पहले ब्रीफली एग्जाम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में अराउंड 19 क्वेश्चंस थे और इसमें से भी एंशियंट मेडिवल एंड कल्चर के क्वेश्चंस ज्यादा थे। तो जैसे क्वेश्चंस कैसे आए थे, डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी टर्म्स, कुलियावाप, द्रोणावाप, द डायनेस्टी एंड उसके साथ टाउन्स, घंटाशाला, कादुरान, चोल के बारे में पूछा गया था। टर्म परमितास, स्कॉलर्स एंड लिटरेचर्स ऑफ एंशियंट इंडिया जैसे कि पाणिनी के बारे में, बुद्धिज्म के रिलेशन में क्वेश्चंस थे, रखमाबाई केस 1984, इंडिगो कल्टीवेशन, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा, उलगुलन एंड ग्रेट ट्यूमुलट, गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, गांधी इरविन फैक्ट एट्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस थे एग्जाम में। तो ये जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो मिक्स ऑफ इजी मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस का था। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिलेशन में। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अराउंड 16 क्वेश्चंस थे एग्जाम में, जैसे कि आधार रिलेटेड क्वेश्चन, राज्यसभा के पावर के रिलेशन में क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में क्वेश्चन, डीपीएसपी रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, प्रीएम्बल के रिलेशन में क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, पार्लियामेंट्री सेशंस एंड एमपीलेड स्कीम्स एट्सेट्रा। तो पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चंस जो थे वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। अगर ज्योग्राफी में से एग्रीकल्चर सेक्शन को बाहर निकाल दें तो ज्योग्राफी में से अराउंड 6 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मेजर मिनरल के रिलेशन में, सियाचिन ग्लेशियर, फेमस प्लेसेस, ओशन मीन टेम्परेचर, जेट स्टीम एंड साइक्लोन आई रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर्स एंड देयर फ्लोस के रिलेशन में क्वेश्चन थे। और ये काफी सारे ये जो क्वेश्चन थे वो मैपिंग बेस्ड थे। और इसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर में से अराउंड 7 क्वेश्चन थे, जैसे कि फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज, पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, आइडेंटिफाइंग द क्रॉप बेस्ड ऑन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट ट्रेंड्स इन कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो इसको हम मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं ज्योग्राफी को। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में से अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन स्केड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के रिलेशन में, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स, इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा, मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एंड रिलेटेड टू प्रोटेक्टेड एरियाज थे। तो इसमें से जो क्वेश्चन थे वो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे। तो अगर बेसिक अच्छे से किए हुए तो इंटेलिजेंट गेस के थ्रू इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हम इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें टोटल अराउंड 23 क्वेश्चन थे, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, गोल्ड रैंक के, रिजर्व रैंक के भी बोलते हैं, एफडीआई रिलेटेड ट्रेंड्स एंड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो इसमें जो स्टैटिक क्वेश्चन कुछ थे इकोनॉमी के वो इजी कैटेगरी में ही थे, जैसे कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, एफडीआई एंड ट्रिम्स के क्वेश्चन जो थे। लेकिन एक तरह से ये ब्लेंड आया था स्टैटिक एंड करंट के क्वेश्चंस का, तो इसको मीडियम टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से अराउंड 8 क्वेश्चंस थे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेशन में, नैनो ट्यूब्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन एटसेट्रा। और ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। और ये सारा हमने आपको एक ओवरऑल व्यू पॉइंट दिया है और इससे ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पेपर था दैट वॉज नॉट ईजी और इसमें से काफी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो कट ऑफ जो रहेगी वो लास्ट ईयर की कट ऑफ के आसपास ही होगी। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें तो जर्नल कैटेगरी की 98 थी, ओबीसी की 95.34,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 90, एससी में 82, एसटी में 77.34। तो लास्ट ईयर के पेपर ट्रेंड और कट ऑफ के बेसिस पे 2020 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की 96 से 105 के बीच में, ओबीसी की 90 टू 100 के बीच में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 85 टू 95 के बीच में, एससी की 80 टू 85, एसटी की 75 टू 80 के बीच में। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर आपके इतने मार्क्स के अराउंड बन रहे हैं तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन फुल फोर्स के साथ स्टार्ट कर दीजिए। इवन जिनके कम मार्क्स भी हैं उनको भी मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। तो इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारी तरफ से सब एस्पायरेंट्स को ऑल द बेस्ट।